बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही चीज़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक अदद ले लेना है अंडा और इसे हमने अच्छे से फेंट लेना है और अंडा अच्छे तरीके से फेंटने के बाद हमने इस अंडे में से तकरीबन एक खाने का चम्मच जो है वो अलग कर लेना है, वो हम लास्ट में अपनी टॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी का जो विस्क किया हुआ अंडा है वो हम किसी बड़े बाउल में डाल लेंगे पहले। और इसमें दो खाने के चम्मच अब हमने डाल लेने हैं चीनी के और अब एक चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे ड्राई इंस्टेंट ईस्ट का और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालना है 200 ग्राम मैदा जो कि बनता है एक कप और एक चौथाई कप। तो पहले हम इसमें एक कप डालेंगे, इसे अच्छे से हम छानेंगे और इसे अच्छे से छानने के बाद अब हमने इसमें एक चौथाई कप है वो भी डाल लेना है और इसे भी छान लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें मैदा जो है वो डाल ली है। अब एक चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 80 मिलीलीटर हम इसमें दूध का डालेंगे जो कि 1/3 कप के बराबर बनता है। और अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद जब हमारी डो कुछ इस तरह से हो जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी, तो अब हमने इसको हाथ की मदद से गूंदना स्टार्ट करना है। तो डो हमारी जो है वो अभी काफ़ी सख्त है। अब हम इसमें 30 ग्राम डालेंगे मक्खन जो कि तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर बनता है। इसे डालने के बाद अब हमने इसको हाथ की मदद से इस तरह से गूंदना है। तो जैसे जैसे हाथ की मदद से हम अपनी जो डो है उसे गूंदते जाएंगे, हमारी डो भी जो है वो नरम होती जाएगी। तो मक्खन जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया हमारी डो में। अब हमने इसको कहीं किसी अच्छी सी खुली जगह पे अपनी डो को बाहर निकाल के इसे अच्छे से मलना है, इसे अच्छे से गूंदना है ताकि जो डो है वो हमारी थोड़ी सी जो है उसमें मक्खन अच्छे से रच जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जो हमारी डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इस तरह से इसका एक पेड़ा रेडी कर लेना है। और अब एक बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर पहले से लगा लिया हुआ है जिसके ऊपर जो अभी हमने पेड़ा रेडी किया है डो का वो रख लेंगे। और अब हमने अपनी डो को छोड़ देना है किसी गर्म जगह पे एक घंटे के लिए ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज हो जाए। तो तब तक हम अपनी गार्लिक ब्रेड की टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक खाने का चम्मच मक्खन का और जो हमने स्टार्ट में एक खाने का चम्मच फेंटे हुए अंडे का बचा के रखा हुआ था अब इसमें वो डालेंगे। एक खाने का चम्मच इसमें चीनी का डालेंगे, एक चाय का चम्मच हम इसमें मायोनीज का डालेंगे, आधा खाने का चम्मच हम डालेंगे हरी प्याज का। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रोजन थी, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो और भी ज़्यादा बेटर है, आप वो डाल लें। और एक चाय का चम्मच हम डालेंगे लहसुन के पेस्ट का। और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी गार्लिक ब्रेड की जो टॉपिंग है वो भी रेडी हो चुकी है। एक घंटा गुजर चुका है और हमारी डो भी जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। पहले हम जो इसमें हवा भरी है वो आउट कर लेंगे और अब हमने इसमें छुरी की मदद से कट्स बना लेने हैं। इन कट्स की मदद से क्या होगा, जो हमने टॉपिंग रेडी की है वो इसमें अंदर तक जो है वो चली जाएगी और जो इसकी लुक है हमारी गार्लिक ब्रेड की वो भी बहुत अच्छी आएगी। और अब जो टॉपिंग हमने रेडी की थी अब हम इस पर वो लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हमने सारी ब्रेड को जो हमने टॉपिंग रेडी की है उसे कवर करना है। और अब यहाँ मेरे पास कुछ ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ है, हमने उसे प्रेस करते जाना है और जो कट्स हमने बनाए थे अपनी ब्रेड पे उसमें फिल कर देनी है हमने सारी मोज़रेला चीज़ से। तो अब हमने इसको मोज़रेला चीज़ इसमें फिल करने के बाद हमने इसको बेक करना है आधे घंटे के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो जी नाजरीन, गर्मा गर्म सॉफ्ट एंड फ्लफी हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।